भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच से पीठ की चोट के चलते बाहर हो गए थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने दिल्ली टेस्ट में वापसी की थी, लेकिन अहमदाबाद में खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त श्रेयस अय्यर वापस से चोटिल होकर मैच से बाहर हो गए थे। चोट के चलते श्रेयस अय्यर आईपीएल के शुरुआती मुकाबलों से भी बाहर रहने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर को इस चोट से उभरने के लिए सर्जरी करवाना पड़ेगा, जिसके चलते वह अब आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को जल्द ही श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट तलाश करना होगा, जो फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। श्रेयस अय्यर ने अब तक 101 आईपीएल मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 2276 रन बनाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी ही नहीं बल्कि उनकी बल्लेबाजी को भी इस सीजन काफी मिस कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीम साउदी, नीतीश राणा और सुनील नारायण में से कोई भी एक खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बनता हुआ आपको दिखा दे सकता है। सो या दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।